पिछले 10 सालों में गौतम अडानी का क्या रहा वेल्थ मीटर? 10 सालों में अडानी की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी। वर्ल्ड इंडेक्स ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा। पिछले कुछ दिनों से गौतम अडानी का नाम छाया हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। उसके बाद अडानी के शेयरों में भूचाल आ गया। उनके शेयर लगातार गिरते चले गए। उनकी नेटवर्थ में भी भारी कमी आई। आज की तारीख में अडानी दुनिया के अमीर इंसानों की लिस्ट में 35वें स्थान से भी नीचे चले गए हैं और उनकी नेटवर्थ भी 28 फरवरी 2023 तक 33.4 बिलियन डॉलर ही रह गई थी। द वर्ल्ड इंडेक्स ने गौतम अडानी की संपत्ति का पिछले 10 सालों का एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें अडानी की संपत्ति में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। ये आंकड़ा 2013 से 28 फरवरी 2023 तक का है। द वर्ल्ड इंडेक्स का आंकड़ा। द वर्ल्ड इंडेक्स के मुताबिक 2013 में गौतम अडानी की संपत्ति 3.1 बिलियन डॉलर थी। हालांकि अगले साल यानी 2014 में उनकी नेटवर्क में थोड़ी गिरावट आई और ये घटकर 2.8 बिलियन डॉलर हो गई। लेकिन 2015 में अडानी की संपत्ति में 3 गुने से ज़्यादा उछाल आया। इस साल अडानी का नेटवर्क 6.6 बिलियन डॉलर जा पहुंचा। 2016 में एक बार फिर उनकी नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली। उनकी नेटवर्थ इस साल 3.5 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। फिर 2017 में 5.8, 2018 में 9.7, 2019 में 8.7 और 2020 में अडानी की नेटवर्थ 8.9 रही। 2020-21 में नेटवर्थ में भारी उछाल। 2013 से 2020 तक अडानी के नेटवर्थ में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन 2020-21 वित्तीय वर्ष में गौतम अडानी की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। 2020 में अडानी की संपत्ति जहां 8.9 बिलियन डॉलर थी, वहीं 2021 में ये 5 गुना से ज़्यादा बढ़कर 50.50 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची थी। इस वित्तीय वर्ष ने गौतम अडानी को पूरी दुनिया में चर्चा में ला दिया था। फिर उनकी तुलना मुकेश अंबानी के साथ भी की जाने लगी, लेकिन अडानी की संपत्ति की बढ़ोतरी का ग्राफ यहीं नहीं रुका। 2022 रहा गोल्डन ईयर। द वर्ल्ड इंडेक्स की रिपोर्ट की माने तो 2021-2022 गौतम अडानी के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में गौतम अडानी की नेटवर्थ में सोच से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। इस वित्तीय वर्ष में गौतम अडानी की संपत्ति 50.50 से बढ़कर 146 बिलियन डॉलर हो गई। उनकी संपत्ति में इतना इजाफा हुआ कि एक बार वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनकी संपत्ति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वर्ल्ड इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी तक गौतम अडानी की संपत्ति 33.4 बिलियन डॉलर ही रह गई है। आने वाले दिनों में अडानी के नेटवर्थ में इजाफा होगा या उनकी संपत्ति घटेगी, ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछले 10 सालों में गौतम अडानी ने संपत्ति के मामले में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। ऐसे उतार चढ़ाव शायद ही किसी बिजनेसमैन ने देखे होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।